अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर इस श्रेणी में सबसे ज्यादा दिग्गज भैया पूरे 2700 केजी की क्षमता वाली महालिफ्ट मिलेगी भाई साहब। और इतनी श्रेणी में पूरे भारतीय ट्रैक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर भारत की बनी हुई कंपनी का कोई ट्रैक्टर नहीं है जो कि आपको भैया 2700 केजी की लिफ्ट कैपेसिटी ऑफर करता है। यहाँ पर आप सेंसिंग पॉइंट देख लो, पहले एक सिंगल सेंसिंग पॉइंट मिलती थी, अब लेकिन भैया डबल सेंसिंग पॉइंट कंपनी ने दे दी है, जिससे भैया आप जब सीड वगैरह बोते हैं, आप जर्मिनेशन वगैरह के लिए बेहतर सॉइल में अब बेहतर बोनी जब करते हैं तो उससे आपको जो सेंसिंग मिलेगी तगड़े लेवल की देखने के लिए मिलेगी। और हर जगह कंपनी ने प्रॉपर ग्रीसिंग पॉइंट ऑफर, हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बॉल में मिलेंगे, जिससे आप किसी भी तरह के इम्प्लीमेंट को बहुत आसानी के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। रेयर एक्सल के अंदर यदि हम बात करें तो दोस्तों ये जो रेयर एक्सल आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा सक्सेस जाना माना प्लेनेटरी ड्राइव आपको रेयर एक्सल मिलने वाला है। अब कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर पूरे 54 हॉर्स पावर की मल्टी स्पीड 30 गियर के साथ में आने वाली पीडीओ ऑफर करती है। ये ट्रैक्टर पहले से ही अपनी श्रेणी का सबसे दिग्गज ट्रैक्टर रहा है, लेकिन 2023 के अंदर कंपनी ने इस ट्रैक्टर में ऐसे और नए बदलाव कर दिए हैं जिससे ये ट्रैक्टर अब और भी ज़्यादा अपग्रेडेड फीचर्स के साथ में आने लगा है। चाहे हम बात करें दोस्तों इस ट्रैक्टर में फीचर्स की, चाहे बात करें कंफर्ट की, कंपनी ने हर तरह की चीज़ों का बहुत खूबियों के साथ में ध्यान रखा है। ये देख सकते हैं बखूबी ख्याल रखा है। 4WD ट्रैक्टर मिलेगा, 4-व्हील ड्राइव। तो चलिए दोस्तों इस ट्रैक्टर की हर एक खूबी के बारे में जानते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे ऐसे फीचर्स के बारे में जिसको हम हमेशा से वीडियो में भूल जाते हैं, वो है भैया इस ट्रैक्टर की 4-व्हील ड्राइव साफ। इसकी जानकारी देने से पहले दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दो, फॉलो कर दो, और यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दो। भैया इस ट्रैक्टर के अंदर जो मिड में आप देख रहे हैं इंजन से जो पावर सप्लाई आने वाली है, आप देखो 4-व्हील ड्राइव साफ्ट को कितनी शिद्दत के साथ कंपनी ने फुल्ली कवर करके दिया हुआ है। नीचे जो है आपको मेटल सपोर्टिंग बार देखने के लिए मिलेगा, वो कवरिंग में आपको जो है फाइबर का आपको जो है कवरिंग देखेगी, वो भी लेदराइज रबड़ के साथ में, जिससे कभी 4-व्हील ड्राइव साफ्ट जैसे खिंचती वगैरह है ट्रैक्टर आगे पीछे करते टाइम तो यहाँ पर भी एडजस्टमेंट कंपनी ने प्रॉपर दी हुई है। ठीक है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कोई आपको कोई भी नहीं बताता। साथ ही यहाँ पर आप देखो इसके जो डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब गए हुए हैं उसकी फिटिंग एंड फिनिश बहुत ज़बरदस्त तरीके से की गई है। और इसका जो लीवर है ना 4-व्हील डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब का, वो आपको ड्राइवर के राइट हैंड की तरफ देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर कंपनी ने जो है दोस्तों इस ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर दिया हुआ है। इस ट्रैक्टर के अंदर भैया पूरे 2700 केजी की क्षमता वाली महालिफ्ट कैपेसिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। साथ ही साथ महिंद्रा जो है अपने हर एक ट्रैक्टर में टोटल साइड शिफ्ट बैटरी ऑफर करता है, तो इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आपको टोटल साइड शिफ्ट बैटरी बॉक्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर 12V 100A की बैटरी मिलने वाली है। स्टेयरिंग वगैरह की यदि हम बात करें तो डुअल एक्टिंग हाइड्रोलिक बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग मिलेगी, और फ्रंट में जो 4-व्हील ड्राइव शाफ्ट भैया आपको करारो ड्राइव टाइप की देखने के लिए मिलेगी, जैसे कि आपको आइसर कंपनी के ट्रैक्टरों में देखने के लिए मिलती है और जॉन डियर भी में। साथ ही इस ट्रैक्टर की जो 4-व्हील ड्राइव शाफ्ट है आपको नॉन क्रॉस वाली नहीं बल्कि क्रॉस वाली मिलेगी, जो कि सबसे ज़्यादा रिलायबल होती है। इस शाफ्ट के साथ दोस्तों आप खेती किसानी से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक के वर्क कर सकते हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें इसके डबल पंप की, तो इसमें आपको लगभग 57 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से ऑयल सप्लाई करने वाला पंप मिलेगा। और भैया आपको इस ट्रैक्टर के अंदर डीजी सेंसिंग मिलने वाली है, वो भी 4G टेक्नोलॉजी के साथ में। अल्टीनेटर की यदि हम बात करें तो 12V 36A का जो है आपको इस ट्रैक्टर के अंदर अल्टीनेटर देखने के लिए मिलेगा। और इस ट्रैक्टर के अंदर जो है दोस्तों आप ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट वाला एयर फिल्टर विद चोक सेंसर के साथ में देखने के लिए मिलेगा। रेडिएटर वगैरह की यदि हम बात करें तो एकदम डिसेंट साइज कंपनी ने रखा है, जो कि इस ट्रैक्टर के इंजन को एक बेहतर टॉर्क बेहतर कूलेंट प्रदान करने के लिए सबसे ज़्यादा शानदार है। यहाँ पर भैया ये जो फ्रंट में 4-व्हील ड्राइव शाफ्ट आप देख रहे हैं बहुत तगड़ी है, और जो फ्रंट में आप बम्पर देख रहे हैं इसमें थोड़ा चेंजेस चाहता है। इसमें जो है दोस्तों आप फ्रंट बम्पर अपनी आवश्यकता के अनुसार लगवा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों इस ट्रैक्टर के अंदर यदि हम बात करें इस साइड वाले फीचर्स की, तो यहाँ पर लगा हुआ भैया इसका EGR सिस्टम, जिससे इस ट्रैक्टर से निकलने वाली दूषित हवा को रीफाइन करके जो है ये ट्रैक्टर पुनः फिर से जो है टॉर्क वगैरह जनरेट कर लेता है। इस ट्रैक्टर के अंदर मिल जाता है 3023 cc का 4 सिलेंडर आपको जो है टर्बोचार्ज CIDI इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो कि भैया 55 नहीं पूरे 60 HP के रजिस्ट्रेशन और 60 HP के इंजन के साथ में आता है, जो कि 2100 rated RPM में आपको 217 Nm तक की टॉर्क निकाल के देगा। और ये है दोस्तों महिंद्रा कंपनी की तरफ से आने वाला महिंद्रा का नोवो 605 DI। ठीक है, 4-व्हील ड्राइव ट्रैक्टर है दोस्तों, अपनी श्रेणी का सबसे दिग्गज ट्रैक्टर है,
कंपनी इसको बनाती है इस हिसाब से है कि भैया इसको जो है किसान हर तरह के काम कर पाए, और ये ट्रैक्टर जाना भी उसी लिए जाता है। इस ट्रैक्टर के अंदर आपको जो है फ्रंट में हमारे इस कंपनी के टायर मिलेंगे, अगला टायर 950x24 का देखने के लिए मिलेगा, और पिछले भी MRF का टायर मिलेगा जो कि 16x28 टायर साइज के साथ में आता है। साथ ही साथ आप स्टेप बार देखिए, कंपनी ने इस ट्रैक्टर के अंदर डबल स्टेप दिए हुए हैं जो कि इस ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म से कनेक्ट है। 6 ईयर की आपको इंजन मैन्युफैक्चरिंग वारंटी देखने के लिए मिलेगी। पैसेंजर ग्रैब हैंडल, ड्राइवर ग्रैब हैंडल, सब कुछ मिलने वाला है भैया, और इस सेगमेंट में अपने सेगमेंट का सबसे किंग कहा जाने वाला ट्रैक्टर है। अब भैया ये ट्रैक्टर 60 HP के साथ में आता है तो जॉन डियर को ऑब्वियसली सी बात है भैया टक्कर कहीं ना कहीं अब देने वाला है। मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन एक अपने नॉलेज की बात कर रहा हूँ। DC और PC लीवर की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको इस ट्रैक्टर के DC और PC लीवर मिलने वाले हैं। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर बॉल्ब के जो है आपको सेफ्रेड लीवर देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर भैया आपको जो है इसका मेन गियर मिलने वाला है जिसके अंदर आपको मेन 5 गियर देखने के लिए मिलेंगे। ऑयल इमर्स मल्टीप्लेटेड डिस्क ऑयल ब्रेक आपको जो है इस ट्रैक्टर के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। ड्राइवर के लेफ्ट तरफ जो है आपको इस ट्रैक्टर का लो हाई मीडियम का गियर मिल जाएगा। PDU के अंदर सेफरेट यानी कि इंडिपेंडेंट क्लच मिल जाएगा। फॉरवर्ड रिवर्स गियर मिल जाएगा PDU का, जिससे आप इस ट्रैक्टर में 30 गियर स्पीड के साथ में PDU ऑपरेट करने वाले हैं। ट्रांसमिशन के लिए सेफरेट क्लच मिलेगा। और अब आपको इस ट्रैक्टर के अंदर 3 मोड मिलेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। एक मिलने वाला है डीजल सेवर मोड, नॉर्मल मोड, पावर मोड, जो कि आप अपनी आवश्यकता अनुसार चला सकते हो, ठीक है। एक और नई बात बताएं, इस ट्रैक्टर के अंदर आप ये देखो सुपर सटल गियर दिया हुआ है कंपनी ने, जिससे दोस्तों आप इस ट्रैक्टर को किसी भी गियर में आगे और पीछे जहां मन करे वहां दौड़ा सकते हो भैया। और ये ट्रैक्टर भैया अब आता है 60 HP के साथ में। मोड़ मिलने वाले हैं 3, 60 HP, 55 HP और 50 HP। जिस मोड़ में जैसे चलाना है वैसे चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 4-व्हील ड्राइव का गियर मिल जाता है। सीट मल्टी एडजस्टेबल देखने के लिए मिलेगी। साइड स्टेप इस ट्रैक्टर के अंदर 30 गियर स्पीड आपको देखने के लिए मिलेगी। सिंक्रोमाइज गियर बॉक्स के साथ में सटल गियर मिलेगा। साइड प्रोफाइल बहुत शानदार लगी है। और यहाँ पर देखो 16 के टायर हैं, उसके बाद फेंडर के नीचे गैफ, मतलब इतनी छोटी छोटी बारीकियों को कौन ध्यान रखता है यार। महिंद्रा ने हर चीज़ को बहुत बखूबी ध्यान रखते हुए इस ट्रैक्टर को डिज़ाइन किया है। पिछले हिस्से में भैया सबसे हाईलाइटेड फीचर्स इस ट्रैक्टर में 2700 kg की महा लिफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगी, और इन द सेगमेंट सबसे ज़्यादा लिफ्ट जो है इस ट्रैक्टर में हायरिंग की गई है। और यहाँ पर भैया आपको जो है प्लेनेटरी ड्राइव वाला आपको जो है रियर एक्सल देखने के लिए मिलेगा पिछले की तरफ। साथ ही साथ हैवी ड्यूटी कंपनी फिटेड डबल डिस्ट्रीब्यूटर बल्ब मिल जाएंगे, जिससे आप MB प्लाऊ जैसे संयंत्रों को बड़ी आसानी के साथ ऑपरेट कर पाएंगे। PDU की बात करें भैया 54 HP की PDU, यकीन हो रहा नहीं हो रहा ये देखो। स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन से PDU का 40.2 kW का, और PDU पावर मिलने वाली है 53.9, यानी कि 54 HP की PDU मिलेगी। इंजन के अंदर 264 और 197 kW का इंजन स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन देखने के लिए मिलेगा। LED लाइट जैसी कनेक्टिविटी के लिए सेफरेट सॉकेट वायर, टूल वगैरह स्टोरेज करने के लिए फाइबर का टूल बॉक्स, साथ ही भैया टापलिंग वगैरह फंसाने के लिए सिंगल नहीं बल्कि डुअल पॉइंट दिए गए हैं। फुल्ली ऑटोमेटिकली डेफ्ट एंड ड्राफ्ट कंट्रोल वार के साथ में, और यहाँ पर भैया गोल वाली आपको जो है बैक हैलोजन लाइट वगैरह देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पर नंबर प्लेट विथ प्रोविजनल आपको इंडिकेटर के साथ में देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों जो थी ट्रैक्टर की जानकारी वो हमने आपको दे दी, बाकी भाई आप बताना कि 60 HP के साथ में महिंद्रा ने इस ट्रैक्टर को भैया 3500 CC से कम करके 3000 CC के साथ में लॉन्च किया है, तो अब ये ट्रैक्टर क्या पहले की तरह मार्केट में राज कर पाएगा? कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, और फेसबुक से देख रहा है तो भैया पेज को फॉलो। जय जवान जय किसान।